तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ग्लेशियर लैंडफॉर्म के साथ। और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लेशियर्स होते क्या हैं। ग्लेशियर्स की जो सबसे कॉमन डेफिनेशन है, जो सबसे आसानी से जिसे ग्लेशियर्स को लोगों को समझाया जा सकता है, वो है अ रिवर ऑफ आइस मूविंग डाउन अ वैली। यानी ग्लेशियर्स क्या है? बर्फ की नदियां हैं जो घाटी में ढाल के सहारे नीचे की तरफ आगे बढ़ती है। सो ग्लेशियर्स क्या हुए? रिवर ऑफ आइस मूविंग डाउन अ वैली। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक्चुअली ग्लेशियर्स जो है वो रिवर्स की तरह ही है, बस डिफरेंस ये है कि जो ग्लेशियर्स है उसमें पानी की जगह क्या है? आइस है। और दूसरी बात, जो उसका स्लो, जो उसकी स्पीड है वो काफी क्या होती है? कम होती है। तो ग्लेशियर्स क्या है? रिवर ऑफ आइस मूविंग डाउन अ वैली। हम ये भी कह सकते हैं अ मास ऑफ स्नो एंड आइस फॉर्म्ड बाय कंसोलिडेशन ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन हायर ग्राउंड मूविंग आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम द जोन ऑफ एक्यूमुलेशन टू लोअर ग्राउंड्स। यानी क्या मतलब हुआ कि ग्लेशियर्स क्या है? मास है किसका? आइस का और स्नो का, जो किसके कैसे बना है? बाय कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन यानी अंडर प्रेशर। साथ ही में क्या है? ये जो बर्फ गिरी है वो कहां गिरी है? ये हायर ग्राउंड में गिरी है, कहीं ऊंचाई पे गिरी है। और अब ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, बाहर और नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रही है स्लोप के साथ, जोन ऑफ एक्युमुलेशन से लोअर ग्राउंड की तरफ जा रही है। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई ग्लेशियर्स की। ग्लेशियर्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो हमेशा आते हैं। एक जो कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं स्नो फील्ड, और दूसरे को कहते हैं हम स्नो लाइन। तो चलिए देखते हैं स्नो फील्ड और स्नो लाइन क्या है। ये एक तस्वीर है, अगर आप देखें तो ये बर्फ ऊपर जमी हुई है, और अगर आप देखें तो ये एक सीधी रेखा आपको दिखाई देगी जिसके नीचे बर्फ नहीं है, और ये जो ऊपरी इलाका है इसमें क्या है? बर्फ है। ग्लेशियर्स को अगर आपको स्नो लाइन को समझना हो तो स्नो लाइन क्या है? वो काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर साल भर बर्फ जमा रहती है, उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? स्नो लाइन। तो इस केस में ये आपकी क्या हुई? स्नो लाइन हुई। इसका मतलब ये भी हुआ कि इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वहां पे 12 महीने बर्फ जमा होनी चाहिए। यानी गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है, जब देखिए सर्दियां आएंगी तो बर्फ और आगे की तरफ बढ़ेगी, और जब गर्मियां आएंगी तो बर्फ पीछे की तरफ क्या करेगी? खिसकेगी। यानी जब गर्मियां आती हैं तो मैक्सिमम बर्फ जो है वो इस इलाके की पिघलती है, इससे पीछे की बर्फ पिघलती नहीं है। तो ये वो रेखा हुई जिसके ऊपर साल भर बर्फ जमा रहती है, तो इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? स्नो लाइन कहते हैं। और इस रेखा के ऊपर जो भी इलाका है जहां पे साल भर बर्फ जमा रहती है, जो क्षेत्र है, फील्ड है, इसे क्या कहते हैं? स्नो फील्ड। तो स्नो लाइन एंड स्नो फील्ड। अगली चीज जो आपको याद रखना है वो फर्न है। फर्न को फ्रेंच में नेवे भी कहते हैं। जब बर्फ फ्रेश गिरती है तो उस वो जो बर्फ होती है वो पोरस होती है, और साथ में क्या होती है? परमेबल होती है। पोरोसिटी और परमेबिलिटी की बात हम लोगों ने रॉक में और पहले भी लेक्चर्स में की थी। पोरोसिटी क्या है? जो भी आपके रॉक है या कोई भी दूसरी चीज है जैसे स्नो है, उसके बीच में जो अंदर गैप्स हैं, खाली जगह है, वो क्या है? पोर्स है। और अगर ये खाली जगह आपस में जुड़े हुए हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? परमेबिलिटी कहते हैं। तो आपके फर्न्स क्या है कि जब की बर्फ गिरती है और गिरने के कुछ समय बाद वो हार्ड हो जाती है कॉम्पैक्ट होके, और वो इतनी हार्ड हो जाती है कॉम्पैक्शन के द्वारा कि उसमें जो परमेबिलिटी है वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। यानी जो 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 पोर्स हैं वो आपस में जो जुड़े हुए हैं वो जुड़ाव क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, और पोरोसिटी बनी रहती है लेकिन परमेबिलिटी क्या होती है? खत्म हो जाती है। तो ऐसे मास ऑफ आइस को हम क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। याद रखने वाली बात है कि इसके अंदर का जो पोर्स है वो अभी भी मौजूद है, हालांकि वो कनेक्टेड नहीं है आपस में, लेकिन वो क्या है? मौजूद है। और इस आइस के अंदर अभी भी 25% क्या होती है? एयर होती है। तो ऐसी आइस को हम क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ग्लेशियर्स की। ग्लेशियर्स आपके दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं माउंटेन ग्लेशियर्स और दूसरे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। माउंटेन जो ग्लेशियर्स होते हैं उन्हें वैली ग्लेशियर्स के भी नाम से जाना जाता है। वो सारी जगह जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर्वतीय क्षेत्र में जो बर्फ पाई जाती है और उससे जो ग्लेशियर्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? माउंटेन ग्लेशियर्स कहते हैं। या क्योंकि ये घाटियों में आगे की तरफ रहते हैं तो इसे वैली ग्लेशियर्स भी कहा जाता है। दूसरे जो ग्लेशियर्स हैं आपके कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं। अगर आपको पता हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में साल भर बर्फ जमी रहती है और एक चादर की तरह बर्फ जमी रहती है पूरे कॉन्टिनेंट में, तो आपकी जो माउंटेन या वैली ग्लेशियर्स होती हैं इनकी स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है माउंटेनियस रीजन में जो स्लोप होती है वो ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से इनकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स होते हैं उनमें स्लोप बहुत कम होती है, तो इनकी जो स्पीड होती है वो भी क्या होती है? अत्यधिक कम होती है, बहुत कम होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बहुत ही स्लो स्पीड होती है, उनकी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ग्लेशियर्स की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? इस पे डिपेंड करेगी कि स्लोप कैसी है और जो ग्लेशियर उसकी थिकनेस कैसी है। स्लोप जितनी ज्यादा होगी और थिकनेस जितनी ज्यादा होगी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। ग्लेशियर्स लगभग
से 300 मीटर प्रति वर्ष की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो सामान्य जो स्पीड है ग्लेशियर्स की वो 300 से 300 मीटर प्रति वर्ष है, लेकिन कुछ खास कंडीशंस में जहां स्लोप बहुत ज्यादा है और आइस की थिकनेस बहुत ज्यादा है वहां पे 7 से 12 किलोमीटर पर ईयर भी जो मूवमेंट है वो हो सकती है। लेकिन सामान्यतः जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बहुत ही स्लो मूविंग होते हैं। ग्लेशियर्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लेशियर्स का जो बीच वाला पार्ट होता है उनकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, और साइड जो पार्ट है उनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। जो ग्लेशियोलॉजिस्ट होते हैं जो ग्लेशियर्स की जो स्टडी करते हैं वो बेसिकली करते क्या है, वो ग्लेशियर्स में जाते हैं और एक लाइन से बहुत सारे जो छोटे छोटे आपके जो झंडे हैं वो इस सीधी रेखा में गाड़ देते हैं और एक साल के लिए चले जाते हैं। अगले साल उस वो जब वापस आते हैं तो बीच वाले जो झंडे हैं वो सबसे आगे होते हैं और साइड वाले क्या होते हैं, पीछे होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ग्लेशियर्स के बीच वाले जो भाग है उनकी स्पीड आसपास के जो अगल बगल के इलाके हैं कंपैरेटिवली उनसे ज्यादा होती है। ग्लेशियर्स जो है वो दो तरीके से इरोजन करते हैं, एक को हम कहते हैं ग्लेशियल प्लकिंग और दूसरा हम क्या कहते हैं, एब्रेशन। इरोजन जब हमने पढ़ा था तो हमने ग्लेशियल प्लकिंग और एब्रेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो एब्रेशन में क्या हो रहा है कि जब वो ग्लेशियर्स जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो भी उसमें टूटे फूटे रॉक के मटेरियल हैं वो क्या करते हैं, वो नीचे जो चट्टान है उसको क्या करते हैं, खुरसते हैं वो उसको, ठीक है, इसको वो इरोड करते हैं अपने साथ, ठीक वैसे ही जैसे एमरी पेपर इरोड करता है। और इस वजह से जो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनकी जो वैली होती है वो बहुत क्या होती है, स्मूथ होती है, क्योंकि बिल्कुल एमरी पेपर की तरह ये इरोजन करता है। ग्लेशियल प्लकिंग में आपकी क्या होती है कि ये जो ग्लेशियल आपके जो ग्लेशियर्स हैं इसके जो बॉटम है वहां पे जो क्रैक्स हैं उनमें पिघला हुआ पानी चला जाता है और जब टेम्परेचर और गिरता है तो वो ठंडा होके फैलता है और वो जो दरारें होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और फिर जब ये लूज हो जाता है नीचे का जो सरफेस है या रॉक है तो बहता हुआ ग्लेशियर उसको अपने साथ बहाते हुए लेके चला जाता है, इसी को हम कहते हैं ग्लेशियल प्लकिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स, वो सारी स्थलाकृतियां जो अपरदन द्वारा बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट स्थलाकृति जो इसकी बनती है अपरदन द्वारा उसे हम कहते हैं यू शेप वैली, यू आकार की घाटी। जब हमने रिवर इरोजन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि नदियां क्या बनाती हैं, वी आकार की घाटी बनाती हैं। तो नदियां जो होती हैं वो अपने लोएस्ट पॉइंट के साथ इरोजन सबसे ज्यादा करती हैं, इसलिए उनकी घाटी हमेशा कैसी होती है, यू आकार की होती है। लेकिन जो ग्लेशियर्स होते हैं वो अपने पूरे बेस के साथ इरोजन करते हैं जिसकी वजह से उनकी आकार की घाटी कैसी होती है, यू आकार की घाटी होती है। ये बहुत ही अच्छी तस्वीरें हैं, अगर आप देख सके तो ये सारी क्या है, देखिए यू आकार की घाटियां हैं। तो इसको किसने बनाया है, ग्लेशियर्स ने बनाया है। अगर आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, अगर आप देखें कि कहीं रेत का टीला है या मिट्टी है, अगर उसमें आप एक पाइप से पानी डालें तो रेत में जो वैलीज बनेंगी वो वी आकार की बनेंगी। लेकिन अगर आपने मान लीजिए एक बोरे में आप मिट्टी भर लीजिए जो कि ग्लेशियर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस पर बोरे को आगे की तरफ धक्का दीजिए तो घाटियां कैसी बनेंगी, यू आकार की बनेंगी। तो इसी तरीके से नदियां और जो ग्लेशियर्स हैं वो अलग अलग घाटियां बनाते हैं, नदियां हमेशा वी आकार की घाटियां बनाएगा और जो ग्लेशियर्स हैं हमेशा यू आकार की घाटियां बनाए। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां आज बर्फ नहीं पाई जाती है लेकिन वहां पे यू आकार की घाटियां हैं, इसका मतलब कभी ना कभी पहले वहां पे जो आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो बहा करते थे जिसकी वजह से वहां पे यू आकार की घाटियों का निर्माण हुआ है। अगली जो फीचर है उसे हम कहते हैं हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये ग्लेशियर है तो ये ग्लेशियर अगर आप देखें तो ये इसने यू आकार की घाटी बनाई है और अगर ये मेन ग्लेशियर से बगल से एक ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर आके मिले तो देखिए ये एक दूसरा ग्लेशियर है तो यहां से आके इस मेन ग्लेशियर को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि आपका जो ग्लेशियर है उसकी जो घाटी होती है वो कैसी है, देखिए यू है, तो अगर कोई बगल से ग्लेशियर आके उसे ज्वाइन करेगा और अगर वो आकार में छोटा होगा तो वो अपनी एक छोटी सी ऊपर यू आकार की घाटी बनाएगा और उससे पानी जो है बर्फ जो है वो नीचे की तरफ गिरेगी। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा इसने घाटी बनाई और ये पानी गिर रहा है, ये गर्मियां हैं लेकिन अगर सर्दियां होंगी तो यहाँ से क्या गिरेगा, बर्फ गिरेगा। तो होता क्या है कि जैसे लगता है कि एक छोटी घाट एक बड़ी घाटी के ऊपर एक छोटी सी घाटी लटकी हुई सी दिखाई देती है, ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा। ऐसी ही ट्रिब्यूटरी छोटी घाटियों को हम क्या कहते हैं, हैंगिंग वैली कहते हैं। अगली जो आकृति है इसे हम कहते हैं सर्क। सर्क जो है वो आर्म चेयर शेप क्या है, एक आकृति है, यानी जो आराम कुर्सी आपने देखा होगा पुराने समय में जो रॉकिंग चेयर हुआ करती, तो ऐसी जो आर्म चेयर शेप्ड जो आकृति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्क है। सर्क अब बनता कैसे है कि ये जो सर्क है ये देखिए माउंटेन है और माउंटेन में जब बर्फ गिरेगी तो बर्फ जब ऊपर से गिरने खिसकना शुरू करती है नीचे नीचे, तो जैसे जैसे बर्फ ऊपर से नीचे की तरफ खिसकती है ज्यादा बर्फ क्या है, एक्युमुलेट होती है, तो वो ऊपर तो नहीं लेकिन नीचे वाले जो भाग है उनको क्या कर देती है, ज्यादा अपरदित कर देती है। तो जिसकी वजह से आगे चल के कैसे बनता है, आर्म चेयर शेप आकृति है, इनका निर्माण होता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सर्क कहते हैं। तो ये जो ग्लेशियर्स हैं ये आमतौर पे पर्वतों की एक ढाल पे किसका निर्माण करते हैं, सर्क का निर्माण करते हैं। और ये कैसे देखने में लगती है, ये आर्म चेयर शेप आकृति देखने से लगती है। ये जो सर्क है ये बहुत ही कॉमन फीचर है और दुनिया के अलग अलग भागों में सर्क को अलग अलग नाम से जाना जाता है। सर्क को हम एल्स में सर्क कहते हैं, स्कॉटलैंड में कोरीज कहते हैं,
वेल्स में क्वाम्स कहते हैं, जर्मनी में कार कहते हैं, स्वीडन में नीश कहते हैं, और स्कैंडिनेविया में बोथ कैटलिन कहते हैं। तो ये इस तरीके से सर्क को अलग अलग नामों से दुनिया भर में जाना जाता है। अगली जो आकृति है उसे हम अरेते कहते हैं। अगर ऐसी स्थिति हो जब एक पर्वत के दो हिस्से में अलग दो सर्क बने हो, यानी एक माउंटेन है और देखिए एक सर्क यहाँ पे है और दूसरा सर्क यहाँ पे है, तो एक पर्वत है जिसमें क्या सर्क, कितने सर्क हैं, दो सर्क हैं। जब एक पर्वत में दो सर्क होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अरेते कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे, अरेते कहा जाता है। अगला जो फीचर है उसे हम हॉर्न कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई माउंटेन है और वो जो माउंटेन है वो चारों तरफ से सर्क है, देखिए एक सर्क क्या है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा इसके पीछे और एक इस तरफ, तो अगर एक माउंटेन है उसके चारों तरफ सर्क हो तो जो उसकी आकृति है वो कैसी बन जाएगी, हॉर्न शेप बन जाएगी। तो ऐसे ही हॉर्न शेप माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, हॉर्न्स कहते हैं। ये स्विट्जरलैंड में मेटाहॉर्न माउंटेन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस एग्जाम्पल है किसका, हॉर्न का। तो इसमें क्या है, इस माउंटेन के चारों तरफ क्या थे, सर्क ने इरोजन करके हॉर्न की तरह इसका निर्माण कर दिया। ये हुए आपके हॉर्न्स। अगली जो आकृति है इसे हम कहते हैं टॉर्न। टॉर्न आपकी क्या होती है कि जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं उनके बेस में क्या बन जाता है, इस तरीके की लेक बन जाती है। तो इस तरह की स्मॉल जो ग्लेशियर लेक्स हैं या जो इस तरह की जो लेक्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टॉर्न कहते हैं, या इसे सर्क लेक भी कहा जाता है। तो देखिए ये एक सर्क है, ये भी सर्क है, ये भी सर्क है, ये भी सर्क है, ठीक है। तो इन सर्क से क्या हो रही है, बर्फ बहके आगे की तरफ आ रही है नीचे। तो जब सर्क की बर्फ जो नीचे गिरेगी तो सारी बर्फ जब यहाँ इकट्ठा होगी तो यहाँ पे क्या कर देगी, एक डिप्रेशन बना देगी, गड्ढा बना देगी, और जब गर्मी आएंगी तो इसी गड्ढे में क्या भर जाएगा, आपका पानी भर जाएगा। तो किसका निर्माण होगा, एक एक लेक का निर्माण होगा। इसी को हम टॉर्न कहते हैं या इसी को हम सर्क लेक भी कहते हैं। अगली जो आकृति है इसे हम कोल कहते हैं। कोल अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग आकृति है। और कोल में होता क्या है कि जब एक ही घाटी को देखिए दो सर्क, एक सर्क इस तरफ से दूसरा सर्क इस तरफ से, वो एक ही घाटी को अपरदित कर रहा है, तो दोनों का जो बर्फ है, आइस है, वो मिलेगी और अब आगे की तरफ बढ़ेगी। समय के साथ होगा क्या, क्योंकि सारी जो बर्फ है वो दोनों जो सर्क है उनसे आने वाली बर्फ जो बीच वाली घाटी को क्या कर रही है, अपरदित कर रही है। तो धीरे धीरे जो बीच की घाटी है इसकी जो गहराई है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और धीरे धीरे घाटी गहरी होती चली जाएगी। जैसे जैसे घाटी गहरी होगी ये आकृति कैसी हो जाएगी, ये शेडल शेप शेप्ड हो जाएगी। शेडल शेप यानी आपने देखा होगा जो घोड़े पर जब बैठते हैं तो उसके बैक में जो पूरा जो बैठने के लिए एक चमड़े का बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेडल कहते हैं। तो ये धीरे धीरे ये आकृति कैसी हो जाएगी, सेडल शेप हो जाएगी। तो इसी सेडल शेप आकृति को हम क्या कहते हैं, कोल कहते हैं। कोल का जो बहुत बड़ा जो एप्लीकेशन है, जो इस्तेमाल है, वो ये है कि हमारे जो पर्वत होते हैं वो काफी ऊंचे होते हैं, और अगर पर्वत को आपको क्रॉस करना है तो आपने पढ़ा होगा कि पर्वतों को पार करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, पासेस की, दर्रों की जरूरत होती है। तो जो एक पर्वत है उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि आपको हिमालय पर्वत क्रॉस करना है तो हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है, जो उसका आपका ग्रेटर हिमालय है, अगर आपको उसे पार करना है तो आपको 6000 मीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर या 6000-7000 मीटर तक ऊपर जाके उसे क्रॉस करना पड़ेगा। वहां पे तापमान बहुत कम होता है, तापमान इतना कम होता है कि वहां पे जीवित रहना बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है। तो अक्सर होता क्या है कि जो 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 पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें सर्क क्या करता है, गहरा कर करके काट देता है और ये शेडल शेप की आकृति बना देता है। तो ये जो घाटियां बनती हैं गहरी गहरी, इन्हीं को हम कोल कहते हैं। और ये जो घाटियां हैं ये बहुत अच्छा रास्ता होती है पर्वतों को क्रॉस करने के लिए। तो इन घाटियों से नीचे नीचे होके आप क्या कर सकते हैं, पूरी पर्वत श्रृंखलाओं को क्रॉस कर सकते हैं। यानी जो आपके दर्रे बनाए जाते हैं उसमें वो जो है वो बेसिकली क्या है, ज्योग्राफिकल कोल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग दर्रों की तरह करते हैं। अगली जो आकृति है उसे हम नुनाटक कहते हैं। नुनाटक बेसिकली क्या है, नुनाटक ग्लेशियल आइलैंड्स हैं। अगर आप देखें, देखिए चारों तरफ बर्फ है और इस चारों तरफ बर्फ में केवल उन पर्वत की छोटी छोटी चोटियां हैं जिन चोटियों की स्लोप बहुत ज्यादा है। तो स्लोप ज्यादा होने की वजह से इसमें बर्फ नहीं रुक पाती है, बर्फ नीचे की तरफ आ जाती है। तो बाकी तरफ चारों तरफ क्या है, बर्फ ही बर्फ है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चोटियां हैं जिनमें बर्फ नहीं जमा है। ये देखने में ठीक ऐसे ही लगता है जैसे अगर आप जहाज से समुद्र को देखें और समुद्र में छोटे छोटे आइलैंड्स हो। तो ये जो ननाटुक्स हैं बेसिकली क्या है, ये ग्लेशियल आइलैंड्स हैं। ग्लेशियल इलाकों में चारों तरफ बर्फ होती है लेकिन छोटे छोटे ये जो पीक्स होती हैं ये अलग से आइलैंड्स की तरह दिखाई देती है। इन्हीं आइलैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, नुनाटुक्स कहते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ग्लेशियल आइलैंड्स भी कहा जाता है। अगली जो आकृति है इसे हम कार्गन ट्रेल कहते हैं, श्रृंग और पूंछ। कार्गन ट्रेल होता क्या है कि
जिस डायरेक्शन में ग्लेशियर बह रहा है उस डायरेक्शन में अक्सर कोई रेसिस्टेंट रॉक पड़ जाती है, एक कठोर चट्टान पड़ जाती है। जब ये कठोर चट्टान इस रास्ते में पड़ जाती है तो बर्फ जब आगे की तरफ बहती है तो उस कठोर चट्टान को वो बहुत ज्यादा अपरदित नहीं कर पाती है, तो उसके ऊपर से होते वो बहती है और फिर दूसरी तरफ उसके नीचे गिरते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। क्योंकि ये जो हार्ड रॉक है जब बर्फ इसके ऊपर चढ़ेगी और दूसरी तरफ गिरेगी तो जो दूसरा साइड है बर्फ में और उस निचले वाले साइड में ये जो इलाके हैं इन इलाकों में बहुत प्रेशर नहीं होता है। तो बर्फ में जो भी मटेरियल ट्रेवल कर रहा है, जो प्लकिंग द्वारा जो ग्लेशियर अपने साथ लेके जा रहा है, वो इसी कोने में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। लंबे समय में एक आकृति बनती है जिस आकृति का जो अगला हिस्सा है वो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, लेकिन जो पिछला हिस्सा है टेल वाला हिस्सा है वहां पे क्या होता है, वहां पे इरोडेड मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो ये जो मटेरियल है ये क्या है, बेसिकली जो ग्लेशियर जो मटेरियल लाए हैं उन्हीं को वो क्या कर देते हैं, डंप कर देता है। ये जो रेसिस्टेंट रॉक है इसकी स्लोप हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन जो टेल है वो एक लंबी सी पूंछ की तरह पीछे दिखाई देती है। इस आकृति को हम क्या कहते हैं, कारगिल ट्रेल कहते हैं। अगली जो आकृति है इसे हम रोशे मुटेनी कहते हैं। रोशे मुटेनी जो है आपकी ये ऐसी आकृतियां हैं जो उन इलाकों में पाई जाती है जहां पे सर्दियों में जो बर्फ जो हिमनदी है वहां तक पहुंच जाती है। इन आकृतियों को देखें बेसिकली देखिए आप अगर ध्यान दें तो ये पर्वत है, ये पत्थर हैं बड़े बड़े, और जब ग्लेशियर्स इनके ऊपर से बहता है तो देखिए करता क्या है कि इन इन जो पत्थर हैं इनको क्या करता है, घिस घिस के बहुत स्मूथ बना देता है। आप इसकी स्मूथनेस देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था ग्लेशियर्स बॉटम से क्या करते हैं, बिल्कुल वो रेगमाल का काम करते हैं, एमरी पेपर का काम करते हैं, तो नीचे अगर कोई कठोर चट्टान आती है तो वो उसको क्या कर देते हैं, घिस के पॉलिश कर देते हैं। तो ये जो पॉलिश्ड रॉक हैं इन्हीं रॉक को हम रोशे मुटेनीज कहते हैं। इनका वो साइड जिस साइड से ग्लेशियर्स इनसे टकराते हैं वो साइड बहुत ही स्मूथ होता है, लेकिन जो इनके ठीक पिछला हिस्सा है ये पिछला हिस्सा बहुत स्मूथ नहीं होता है, क्योंकि उस तरफ से जब ग्लेशियर उतरता है तो वो उसको एमरी पेपर की तरह घिस नहीं पाता है, तो दूसरा जो साइड है वो रफ होता है, लेकिन वो साइड जिस साइड से ग्लेशियर आके इनसे टकरा रहा है और आगे की तरफ बह रहा है वो जो साइड है वो बहुत ही स्मूथ होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रोशे मुटेनीज कहते हैं। रोशे मुटेनीज जो है इसे शिप इन लाइन पोजीशंस की तरह, अगर दूर से नहीं देखें तो सफेद सफेद चट्टाने कैसी लगती हैं, जैसे बहुत सारी जो भीड़ है वो क्या कर रही है, एक साथ आपस में झुंड में बैठी हुई है आसपास। तो ये हुई आपकी रोशे मुटेनीज। अगली जो आकृति है इसे हम कहते हैं ग्लेशियल स्टेयरवेज। ग्लेशियल स्टेयरवेज तब बनते हैं जब मान लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको फॉल्ट्स पढ़ाया था तो मैंने आपसे बताया था कि कई बार हमारे क्या बनते हैं, स्टेप फॉल्ट्स बनते हैं। स्टेप फॉल्ट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि महानदी करीब 100 से ज्यादा स्टेप फॉल्ट्स होते हुए बहती है, तो देखिए एक फॉल्ट यहाँ पे पड़ा, फिर कुछ दूरी बाद दूसरा फॉल्ट पड़ा, कुछ दूरी बाद तीसरा फॉल्ट पड़ा, तो देखिए ग्लेशियर यहाँ से आएगा फिर झरने की तरह नीचे की तरफ गिरेगा, फिर सीधा बहेगा, फिर झरने की तरफ नीचे की तरफ बहेगा, सीधा बहेगा झरने की तरफ नीचे गिरेगा। तो ये क्या है, ये सीढ़ीनुमा आकृति दिखाई देगी। इसी विशाल सीढ़ीनुमा आकृति को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल स्टेयरवेज कहते हैं। ये आकार में कैसी होती है, ये आकार में अत्यधिक विशाल होती है, बहुत ही बड़ी होती है। अब ये जो ग्लेशियल स्टेयरवेज है, जब ग्लेशियर ढाल से, देखिए जब ग्लेशियर ढाल से ऊपर से नीचे गिरता है तो नीचे गिरते टाइम जहां पे ये नीचे गिरता है वहां पे एक छोटा सा डिप्रेशन बना देता है। तो जहां पे ये नीचे गिरेगा वहां पे एक छोटा सा डिप्रेशन बनाएगा, क्योंकि बर्फ ऊपर से जब सीधे नीचे गिरेगी तो जो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट थोड़ा सा इरोडेड हो जाएगा, तो वहां पे एक छोटा सा डिप्रेशन बन जाएगा। इन डिप्रेशन को पेट्रानास्टर लेक्स कहा जाता है। तो आपके जो पेट्रानास्टर लेक्स है वो जो आपके ग्लेशियर लेक्स या टॉन्स मैंने आपसे पढ़ाई थी उनसे क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि स्टेप फॉल्ट्स में बनेंगी और वहां पे जहां ग्लेशियर जो है वो सीधे से ऊपर से नीचे प्लंज डाउन करेगा, जो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट होगा वो थोड़ा सा वहां पे इरोजन कर देगा, एक डिप्रेशन बनेगा, और उसी डिप्रेशन में आपकी पेट्रानास्टर लेक्स बनेंगी जब गर्मी आएंगी और बर्फ पिघल के इसमें भर जाए। अगली जो आकृति है इसे हम कहते हैं फियोर्ड्स या फिजोर्ड्स। फियोर्ड्स एंड फिजोर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आप पहले ये समझिए कि फियोर्ड्स क्या है। आपके जो फियोर्ड्स हैं इनके बारे में आपने सुना होगा, उन इलाकों में जहां ग्लेशियर सीधे समुद्र तक पहुंच जाते हैं वहां पे होता यह है कि ग्लेशियर्स जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था यू आकार की घाटी बनाते हैं। तो ग्लेशियर्स जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या बनाएंगे, यू आकार की घाटी बनाएंगे, और ये यू आकार की घाटी बनाते हुए समुद्र में मिलते हैं। बर्फ और नदी में बेसिक डिफरेंस ये है कि नदियां जो है वो सिर्फ बेस लेवल तक इरोजन करती है, नदियां बेस लेवल से नीचे इरोजन नहीं कर सकती, जिसके बारे में हमने डेविस में आपसे बात की थी।
तो नदियां जो है वो मैक्सिमम इरोजन कहाँ करेंगी, बेस लेवल तक। बेस लेवल क्या है, जो समुद्र का जो तल है, सी लेवल है, वही क्या होता है, बेस लेवल होता है। तो जमीन में नदियां मैक्सिमम उसी गहराई तक अपरदन कर सकती हैं, जो गहराई कहाँ तक है, जो गहराई समुद्र के तल तक है, यानी वो काल्पनिक रेखा जो समुद्र के तल से आप जमीन में अंदर की तरफ खींचिए बिल्कुल सीधे, तो नदियां जो है वो उस काल्पनिक तल तक ही अपरदन कर सकती है, जिसे हम बेस लेवल कहते हैं। लेकिन ग्लेशियर्स के बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि ग्लेशियर्स बेस लेवल से नीचे भी इरोजन करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स में क्या होता है, ऊपर काफी आइस होती है जिसमें बहुत ज्यादा वेट होता है, तो उस वेट की वजह से, वजन वजन की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो काफी गहरा तक बेस लेवल से नीचे भी क्या कर देते हैं, अपरदन कर देते हैं। तो जो फ्योर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये यू आकार की घाटी बनाते हुए समुद्र में मिल जाते हैं। और जब ये समुद्र में मिल जाते हैं तो अक्सर होता यह है कि आपके स्टैटिक चेंजेस होते हैं। स्टैटिक चेंजेस, आपके स्टैटिक चेंजेस वो चेंजेस हैं जिसमें सी लेवल में क्या होता है, परिवर्तन आता है, सी लेवल के जो वॉल्यूम है उसमें परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन बहुत सारी वजह से हो सकता है, ये परिवर्तन आपके टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हो सकता है, या सेडिमेंट्स की मात्रा चेंज होने से हो सकता है, या पानी की मात्रा में चेंज होने से हो सकता है। तो वो सारे चेंजेस जिससे समुद्र के वाटर के वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, अल्टरेशन होता है, उसी को हम यूस्टैटिक चेंजेस कहते हैं। तो जब यूस्टैटिक चेंजेस होता है तो ये जो पूरी वैलीज हैं यू आकार की, वो अक्सर क्या होती है, समुद्र के अंदर डूब सी जाती है। तो देखिए वो इस तरीके से दिखाई देंगी, ये जो है ये नदी नहीं है, ये क्या है, समुद्र का पानी है। तो इसी तरह की जो आपके जो वैलीज, इसी तरह के जो आपके तट होते हैं, कहाँ पे, उन इलाकों में जहाँ पे ग्लेशियर सीधे समुद्र में मिलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फ्योर्ड्स कहते हैं। आपके जो फ्योर्ड्स होते हैं वो फिजोर्ड्स क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। नॉर्वे में क्या पाया जाता है, फिजोर्ड्स पाया जाता है, और आपका जो स्वीडन है वहां क्या पाया जाता है, फ्योर्ड्स पाया जाता है। तो नॉर्वे जो है इट्स लैंड ऑफ फिजोर्ड्स, और जो स्वीडन है वहां पे क्या पाए जाते हैं, ज्यादा फ्योर्ड्स पाए जाते हैं। अगली आकृतियां हैं वो सारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके क्या है, मोरेन्स हैं। मोरेन्स होते क्या है कि जब ग्लेशियर्स आगे की तरफ बहते हैं तो वो जमीन से जो भी छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, मिट्टी, क्ले जो भी मिलती है उन सबको अपरदित कर लेते हैं, और जहां पे पानी पिघलने लगता है आमतौर पे वहां पे वो क्या करते हैं, उसे सारा डिपॉजिट कर देते हैं। तो जो भी वो एरोडेड मटेरियल लेके ट्रेवल कर रहे हैं वो उसे डिपॉजिट करते हैं, जब आइस क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। ये जो मटेरियल है इसमें रॉक, बोल्डर्स, पेबल्स, क्ले सब मिला जुला होता है, बिल्कुल मिक्सड होता है। तो इसी मिक्सड अपरदित पदार्थ को जो किसके द्वारा लाए जाते हैं, जो ग्लेशियर्स द्वारा लाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोरेन्स कहते हैं। तो मोरेन्स क्या है, इरोडेड मटेरियल किसके द्वारा लाए जाते हैं, जो ग्लेशियर्स द्वारा लाए जाते हैं, उन्हें मोरेन्स कहा जाता है। इसमें छोटे बड़े पत्थर, मिट्टी, क्ले सब कुछ मिला जुला इसका क्या होता है, रूप होता है। मोरेन्स जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। आपका जो पहले तरह का है उसे हम टर्मिनल या एंड मोरेन कहते हैं, दूसरा आपका लैटरल मोरेन है, तीसरा आपका मीडियल मोरेन है, और चौथा आपका क्या है, ग्राउंड। चलिए समझते हैं सारे मोरेन्स क्या है। ये देखिए, ये ग्लेशियर्स है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और ये बीच में आप बर्फ के बीच में जो ये मिट्टी जैसा देख रहे हैं, ये क्या है, यही मोरेन्स हैं, जिसे ये जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या करके ला रही हैं, अपरदित करके ला रहे हैं। तो वो सारा मोरेन जो ग्लेशियर्स के बीच में पाया जाता है, देखिए ग्लेशियर बह रहा है इसके बीचों बीच में, इसे हम क्या कहते हैं, मीडियल मोरेन कहते हैं, मध्य मोरेन। वो मोरेन जो ग्लेशियर के दोनों तरफ साइड में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लैटरल मोरेन। तो देखिए यहाँ पे ये मीडियल मोरेन हो गए, ये सारे मीडियल मोरेन हो गए, और जो साइड वाले मोरेन है ये आपके क्या हो गए, ये आपके लेटरल मोरेन हो गए। तो अगर इस ग्लेशियर को ऊपर आप देखें तो ये देखो ये साइड वाला ग्लेशियर है, ये आपका क्या है, लेटरल मोरेन है, और ये जो बीच में पतली सी पट्टी है ये आपका क्या हो गया, मीडियल मोरेन। जहां ग्लेशियर्स खत्म हो जाते हैं और पिघलने लगते हैं, जिसे हम स्नाउट कहते हैं, स्नाउट मतलब जहां पे पानी पिघल रहा है और ग्लेशियर जो है वो खत्म हो जा रहा है, तो स्नाउट पे जो मोरेन पाया जाता है, देखिए जहां पे पिघलेगा सारी जो बचे हुए मोरेन है उसको वहीं पे डिपॉजिट कर देगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टर्मिनल मोरेन कहते हैं। चौथे जगह का जो मोरेन है आपका ग्राउंड मोरेन, वो मोरेन आपका वो मोरेन होता है जो आपकी जो शीट्स जो पिघलती है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स की, तो उसमें जो भी इरोडेड मटेरियल होता है वो शीट की तरह नीचे बैठ जाता है, तो एक चादर की तरफ जो होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड मोरेन कहते हैं। अब जो अगली आकृति है इसे हम ड्रमलिंस कहते हैं। ड्रमलिंस जो होती हैं ये लो स्मूथ राउंडेड ओवल हिल्स हैं, जो किससे बनती हैं, जो बोल्डर और क्ले से बनी हुई होती हैं, और इलांगेटेड होती हैं, खिंची हुई होती हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आइस फ्लो कर रहा है। अगर आप ये देखिए तो आइस फ्लो के होने की डायरेक्शन ये है, और ये हमारा जो है वो हमारे क्या है, ड्रमलिंस है। तो देखिए किस तरीके से ये लंबी जो है इस तरह की आकृति बनी हुई है। ये जो आकृति है ये हमेशा आमतौर पे ग्रुप में पाई जाती है, झुंड में पाई जाती है, स्वाम्प्स में पाई जाती है। इन तरह की आकृति को हम बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी भी कहते हैं। तो ड्रमलिंस जो है उसे बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी भी कहा जाता है। ये देखिए एक तस्वीर है ड्रमलिन की,
यहाँ पे। और ये एक और तस्वीर आप देख सकते हैं ड्रमलाइन की, तो ड्रमलाइन किसकी वजह से बनते हैं, डिपोजिशनल एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। अगले तरह के जो फीचर्स हैं इसे हम ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट्स कहते हैं। ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट्स यानी अब बर्फ पिघल गई है और बर्फ के पिघलने के बाद जो पिघला हुआ पानी है जब वो आगे बढ़ता है तो वो कुछ आकृतियों को बनाता है। ग्लेशियर्स जब मेल्ट करते हैं अपने स्नाउट में तो इसे हम क्या कहा जाता है, एब्लेशन कहा जाता है। तो ग्लेशियर जब स्नाउट में मेल्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्लेशन कहते हैं। तो एब्लेशन द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं वही आपकी ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट्स हैं। इसमें सबसे पहली जो आकृति है उसे हम कहते हैं एस्कर्स। एस्कर क्या होता है, बेसिकली स्नेकिंग साइड होता है जो किससे बनता है, सैंड और वेवल से बनता है, जिसको किसके द्वारा छोड़ा जाता है, ग्लेशियर के मेल्ट वाटर द्वारा छोड़ा जाता है। तो देखिए ये अगर आप देखें तो ये देखिए एक आकृति क्या है, ये एस्कर है, यहाँ से इधर से पानी बह रहा है, इधर से पानी बह रहा है। तो जो बहता हुआ पानी है ये साइड में क्या करता है, मड को और रॉक को डिपोजिट कर देता है, जिसकी वजह से ये स्नेकिंग साइड जो है वो बनते हैं। यानी साइड से पानी बहेगा, इस टाइप से पानी बहेगा। ये जाहिर सी बात है ये एस्कर जो है वो बहुत पहले बने थे जब यहाँ तक ग्लेशियर्स हुआ करते थे, लेकिन इस समय यहाँ पे ग्लेशियर नहीं है। तो इसी तरह के जो स्नेकिंग साइड्स होते हैं बहते हुए पानी के बीच के हिस्से में, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एस्कर्स कहा जाता है। अगली आकृति जो है उसे हम केम कहते हैं। केम क्या है, स्मॉल हिल्स ऑफ इररेगुलर माउंट्स ऑफ ग्रेवल एंड सैंड फॉर्म बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एट द एज। जो ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो इस तरह के देखिए छोटे छोटे क्या टीले बना देते हैं, जो किससे बने हैं, ग्रेवल से बने हैं और सैंड से बने हैं। इन्हीं ग्रेवल और सैंड से बने हुए जो टीले हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, केम कहते हैं। और ये आकार में क्या है, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। आपका जो ड्रमलिन था और केम दोनों में डिफरेंस है। ड्रमलिन कौन बना रहा है, ड्रमलिन खुद ग्लेशियर बना रहा है, लेकिन केम कैसे बन रहा है, जो मेल्ट वाटर है उससे जो केम है उनका निर्माण हो रहा है। अगली जो आकृति है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे हम कैटल एंड हममॉक कहते हैं। कैटल्स बेसिकली बहुत बड़े बड़े या कैटल्स बेसिकली क्या डिप्रेशन है जो कहाँ पाए जाते हैं, आउटवॉश प्लेन में पाए जाते हैं। आउटवॉश प्लेन्स आपके बेसिकली हैं क्या, आउटवॉश प्लेन्स जब आपका, मैं भी आपको दोबारा पढ़ाऊंगा आउटवॉश प्लेन को, जब पानी पिघल जाता है तो पिघलने के बाद एक प्लेन बनता है जिसमें ग्रेवल और बोल्डर और क्ले और सैंड सब कुछ मिला जुला होता है, जिसे हम आउटवॉश प्लेन कहते हैं। तो जो आउटवॉश प्लेन है उसमें जो ये डिप्रेशन है, गड्ढे जो है, देख रहे हैं आप, इन्हीं गड्ढों को हम क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं। तो ये जो बड़े बड़े गड्ढे हैं इनको हम क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं। तो आउटवॉश प्लेन में पाए जाने वाले जो गड्ढे हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं। बनते कैसे, जैसे मान लीजिए बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, जब पानी पिघलेगा तो पिघल के जो पानी है वो अगल बगल से होते, बर्फ के बगल से होते वो जमीन में मिलेगा। तो मान लीजिए बर्फ का बड़ा टुकड़ा आपने एक मिट्टी में रख दिया, अनकंसोलिडेटेड मिट्टी में, जब पानी पिघलेगा तो बर्फ के ठीक नीचे वाला जो हिस्सा है उस ऊपर से बर्फ से बहता हुआ पानी नीचे आएगा और नीचे जो मिट्टी है उसे सॉफ्ट कर देगा और बहता हुआ पानी नीचे की मिट्टी को अपरदित करता हुआ लेके चला जाएगा। तो डिप्रेशन बन जाएंगे, तो इन्हीं डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं। और जो बहुत बड़े बड़े जो डिप्रेशन होते हैं कैटल, जो लार्ज साइज जो कैटल्स होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे इस तरह की जो है वो माउंटेन छोटे छोटे टीले पाए जाते हैं। तो इन छोटे छोटे टीलों को हम क्या कहते हैं, हममॉक्स कहते हैं। तो लार्ज कैटल्स में जो डॉटेड शेड्स शेड के छोटे छोटे जो टीले होते हैं, माउंट्स होते हैं, इन माउंट्स को क्या कहा जाता है, हममॉक कहा जाता है। याद रखिए कैटल का आकार जब बहुत बड़ा होगा तभी इस तरह के हममॉक्स जो है उनका निर्माण। अगली जो हमारी आकृति है उसे हम कहते हैं आउटवॉश प्लेन। ठीक है, आप अगर आप देख सकते हैं, देखिए ग्लेशियर आया यहाँ पे पिघल गया, ये जो इलाका है इसे हम स्नाउट कहते हैं। तो स्नाउट में एब्लेशन हुआ, पानी क्या है यहाँ से बना और पानी बनने के बाद ये देखिए ये पूरा इलाका, तो ये जो बचा हुआ ये जो एरिया है इसी को हम कहते हैं आउटवॉश प्लेन। ये देखिए ये दूसरी तस्वीर है आउटवॉश प्लेन की, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में छोटे बड़े जो पत्थर हैं और जो क्ले है आपकी वो पाई जाती है। तो ग्लेशियर पिघलने के बाद जो पूरा एक प्लेन मैदानी भाग बनता है ग्लेशियर के ठीक सामने, उसी को हम क्या कहते हैं, आउटवॉश प्लेन कहते हैं। छोटी छोटी बहुत सारी जो अनगिनत स्ट्रीम्स हैं वो इसमें पाई जाती है, और ग्लेशियर का जो ठंडा बहता हुआ पानी है, पिघला हुआ पानी, उसी से जो प्लेन्स है इनका निर्माण होता है, जैसे क्या कहा जाता है, आउटवॉश प्लेन। देखिए अब ये आकृतियां हमारी खत्म हो गई, अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्रीवॉसेस के बारे में। क्रीवॉसेस जो है वो कोई आकृति नहीं है लेकिन ग्लेशियर्स की एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। क्रीवॉसेस बहुत ही खतरनाक होते हैं, अगर आपने बहुत सारी मूवी देखी हो जो ग्लेशियर्स पे बनती है उसमें आपने हमेशा क्रीवॉसेस को देखा होगा। देखिए तो क्रीवॉसेस हैं क्या, ये बर्फ में पाए जाने वाले जो ये गर्त हैं, जो जो डिप्रेशन हैं, जो क्रैक्स हैं, इन्हीं क्रैक्स को हम क्या कहते हैं, क्रीवॉसेस कहते हैं। ये देखिए ये क्रीवॉसेस है और यहाँ पे आप ये क्रीवॉसेस देख सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे हिमालय में जो एवरेस्ट में जो चढ़ाई करते हैं या पर्वत की चोटियों पर चढ़ते हैं ग्लेशियर वाले इलाकों में, वहां पे अक्सर जो आपके पर्वतारोही होते हैं वो अक्सर इस तरह के जो क्रीवॉसेस होते हैं उसमें गिर जाते हैं। आमतौर पर
होता क्या है कि जब बर्फ गिरती है तो ये ऊपर का जो परत है यहाँ पे बर्फ जम जाती है, और बर्फ जमने के कारण उनको दिखाई नहीं देता कि नीचे क्या है, क्रीवॉसेस है, उनका पैर इसमें पड़ जाता है और लोग इस क्रीवॉसेस में नीचे की तरफ चले जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और पर्वतीय इलाकों में बहुत बड़ी मात्रा में जो आपके पर्वतारोही हैं वो इस तरह के क्रीवॉसेस में फंस के अपनी जान गंवा देते हैं। तो पर्वत में ग्लेशियर्स में पाए जाने वाली जो दरारें हैं, इन दरारों को हम क्या कहते हैं, क्रीवॉसेस कहते हैं। ये एनिमेशन में अगर आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, ये इधर क्रीवॉसेस हैं और ये जो है यहाँ पे भी क्या पे क्रीवॉसेस हैं। ग्लेशियर की परत देखिए यहाँ से मुड़ रही है, जब मुड़ रही है तो ऊपर ऊपर का जो इलाका है उसमें क्रैक बन जाएंगे और आपके जो क्रीवॉसेस हैं उनका फॉर्मेशन होगा। अब ये जो आपके क्रीवॉसेस हैं ये छोटे भी हो सकते हैं और वो 20 मीटर वाइड भी हो सकते हैं। तो ये जो छोटे जो आपके क्रीवॉसेस हैं वो 1 मीटर तक भी, 1 मीटर से लेकर 20 मीटर तक चौड़े हो सकते हैं और काफी गहरे होते हैं ये। और ऑलमोस्ट ये जो जितने भी क्रीवॉसेस होते हैं ये वर्टिकल या नियर वर्टिकल होते हैं, यानी इनकी दीवारें हमेशा क्या होती हैं, वो 90 डिग्री के एंगल पे हमेशा खड़ी रहती हैं। जो आपके क्रीवॉसेस हैं कई तरह के हैं, एक आपका क्रीवॉसेस होता है जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल क्रीवॉसेस कहते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूडनल क्रीवॉसेस है ये हमेशा पैरेलल पाए जाते हैं बर्फ की बहने वाली दिशा में। तो बर्फ की बहने वाली दिशा में अगर आपको दरारें दिखाई दे रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल क्रीवॉसेस कहते हैं। स्प्लैशिंग जो क्रीवॉसेस होते हैं वो हमेशा जो ग्लेशियर के जो एज होते हैं उन एज पे क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। आखिरी तरह के जो क्रीवॉसेस हैं इसे हम ट्रांसवर्सिव क्रीवॉसेस कहते हैं। ये जो क्रीवॉसेस हैं ये सबसे कॉमन टाइप के क्रीवॉसेस हैं और ये तब बनते हैं जब जो बहती हुई आइस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है। तो देखिए जो बहती हुई आइस है अगर आप देखें तो जब ये मुड़ी तो मुड़ने के बाद क्या हुई है, जो लॉन्गिट्यूडनल ऊपर का जो एरिया है वो एक्सटेंड करने लगेगा। जब करने लगेगा तो ऊपर वाले हिस्से में क्या करेंगे, क्रैक्स पड़ जाएंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन से जब क्रैक्स बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सिव क्रीवॉसेस कहते हैं। और ये जो क्रीवॉसेस हैं ये सबसे कॉमन तरह के जो क्रीवॉसेस हैं ये पाए जाते हैं और आमतौर पर ये तब बनते हैं जब जो वैली है वो अगर लगातार क्या होती चली जाती है, स्टीप होती, स्टीपनेस उसकी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है।